अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ। क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से मेरी हौसला अफजाई करते रहें। तो जनाब, आज हम जिस मसले का तस्करा करने लगे हैं वो है वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी। वाइटामिन डी क्या होता है? वाइटामिन डी जनाब, जिस्म में जब वाइटामिन डी की कमी होती है तो उससे इंसानी जिस्म में कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बहुत तेज़ी से कम होता है, जिसकी वजह से हड्डियों के अमराज में इजाफा हो जाता है। तो जब कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है तो बहुत सारे अमराज जो है दूसरे जन्म लेते हैं आपके जिस्म के अंदर। तो चलते हैं इसकी अलामत और वजूहात की तरफ। तो जनाब, इसमें क्या होता है? इसमें जनाब ये होता है कि एक तो बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं वाइटामिन डी की कमी की वजह से। और चूंकि मैंने हड्डियों का तस्करा किया कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो जोड़ों का दर्द तेज़ी से बढ़ता है इस वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कमी की वजह से ना। और इसके साथ साथ लोगों में चिड़चिड़ापन बहुत तेज़ी से हो जाता है। इसके साथ ये भी बता दूं कि सांस की नाली का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से हो जाता है जो लोग वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं। और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम की शिकायत उन लोगों को बहुत ज़्यादा रहती है, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, हत्ता कि इस वाइटामिन की कमी की वजह से हड्डियों का मर्ज बढ़ता चला जाता है। यहाँ आपको ये एक ख़ास निशानी इसकी ये बताने लगा हूँ कि जो लोग वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं वो कोई मेहनत भी नहीं करते, उसके बावजूद भी उनके माथे पे यानी पसीना बहुत ज़्यादा आता है। और जो है ये इसकी ख़ास निशानी होती है जो वाइटामिन डी की कमी का शिकार होते हैं, यानी कोई मेहनत तलब वो काम नहीं कर रहे होते और फिर भी जो है उनके माथे पे पसीना ज़्यादा आता है। और जनाब, अब चूंकि आगे इलाज में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वो वाइटामिन डी वो वाहिद वाइटामिन है जो इंसानी जिस्म खुद से बनाने से कासिर है। इसके लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत कुदरती चीज़ रखी है, वो है जनाब सूरज। सूरज जो है उससे वाइटामिन डी की कमी जिस तेज़ी से पूरी होती है वो और किसी चीज़ से नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें रखी हैं। तो जो लोग वाइटामिन डी का शिकार हैं तो मैं उनको रेफ़र करूंगा कि वो कुछ वक्त धूप में गुजारें या धूप में बैठें, ताकि इस वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी जो कमी उनको हो गई हुई है वो ख़त्म हो जाए, उससे बहुत जल्दी रिकवरी उनकी हो जाए। तो जनाब ये बता दूँ, आगे इलाज बताऊँ, उसके साथ आपको ग़िज़ा भी जो है इस्तेमाल करें ऐसी जिससे वाइटामिन डी की कमी जो है वो पूरी हो जाए। तो ग़िज़ाओं में सबसे पहले चर्बी वाली मछली जनाब जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वो चूँकि गुड फैट में आती है तो इसलिए वो बहुत जल्दी से जो है रिकवर करती है। दूसरे नंबर पे जनाब झींगा, झींगा जो है वो भी बहुत तेज़ी से वाइटामिन डी की कमी को पूरा करता है। और इसके साथ अंडे, अंडे में देसी अंडा जो है वो बहुत तेज़ी से रिकवर करता है। जो लोग वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हैं वो देसी अंडे इस्तेमाल करें और जर्दी के साथ इस्तेमाल करें। बाज़ लोग जर्दी नहीं इस्तेमाल करते, वो मुनासिब नहीं है। जर्दी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो कमी जो वाइटामिन डी की आपके अंदर हो गई हुई है वो तेज़ी से रिकवर हो जाए। साथ साथ गाय का दूध और दही, और ये भी बताता चलूँ मशरूम जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वाइटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए। जूसेस में ऑरेंज जूस जो है, वाइटामिन सी वाली जो चीज़ें हैं वो भी बहुत जो है फ़ायदेमंद होती है इस वाइटामिन डी की कमी को दूर करने के। और आखिर में जनाब कलेजी, कलेजी जो है वो बहुत तेज़ी से वाइटामिन डी की कमी को पूरा करती है। पर ये जहन में रखें, क्योंकि कलेजी में आयरन बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए कलेजी का इस्तेमाल जो है एक मखसूस मकदार में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ का इस्तेमाल जो है एक मखसूस मकदार में इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो ग़िज़ा हो चाहे वो अद्वियात हो, तो वो मुनासिब होता है न्याना रवि। अब चलते हैं जनाब नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे में जी जनाब अज़ा नोट फरमा लें। इसमें जी अजगर नगोरी है 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, सुरंजान शीरी 50 ग्राम, सिंघाड़ा 50 ग्राम और जनाब ग्लूकोस 50 ग्राम ले लें या मिश्री। आपने इनका पाउडर बनाना है, और जो है कहते हैं जो डायबिटीज़ वाले हैं वो मिश्री ना इस्तेमाल करें, ग्लूकोज इस्तेमाल कर लें, या दोनों ना इस्तेमाल करें अगर उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है।
तो इस ग्लूकोज और मिश्री के बगैर सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करना ये है कि आपने इसका पाउडर बनाना है, सुबह नाश्ते के 1.5 घंटे बाद दही के 1 पाव दही लेकर उसमें 1.5 चम्मच आपने डाल के इसको इस्तेमाल करना है। और रात में आपने करना ये कि इसको 1 कप या 1 गिलास गर्म दूध ले लें, उसमें आप जो है 1 चम्मच जो है मिला के रात को सोने से पहले आप ले लें, तो इससे आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको इसकी कमी जो है पूरी हो जाएगी और हड्डियों का जो मसला जिन लोगों का रहता है वो तेज़ी से इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ चला जाएगा। आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी इस पगोल के फ़वाद के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, और जिन लोगों को चूँकि हड्डियों का मसला रहता है तो वर्म वगैरह का मसला रहता है, तो ये गुले टिश्यू के ऊपर एक मेरी वीडियो मौजूद है, तो इस दोनों को देखना मत भूलिएगा। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कैसी आपको लगी वीडियो। मुझे आप इजाज़त दें, मैं आपका हर प्लेस हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।